के सीरियल शक्ति में हो रहा है महान ड्रामा, जहां हरमन को लग गई है हथकड़ी। उसके घर आई है पुलिस हरमन को ले जाने के लिए। असल में हरमन पर किसी फॉरेन कंपनी के डिजाइन चुराने का इल्जाम लगा है। ऐसे में सौम्या और सभी घर वाले हैं बेहद परेशान। इन सब के बीच सौम्या की सास प्रीतो सौम्या पर भड़क जाती है और इन सब का इल्जाम सौम्या पर ही लगा देती है। भाई अब देखना होगा कि हरमन कैसे जेल से रिहा होता है। स्टार भारत के सीरियल एक थी रानी एक था रावण में रानी उर्फ मयूरा का दिखा फाइटर अंदाज। देखे तो जरा कैसे मर्दानी बन गुंडों से लड़के उसने बचाई रिवाज की जान। भाई वाकई में मयूरा की हुई है धमाकेदार एंट्री और इनका अंदाज भी बदला बदला है। वैसे कहानी में रिवाज बन गए हैं भोजपुरी सुपरस्टार और उसकी असिस्टेंट कम बॉडीगार्ड है मयूरा उर्फ रानी। अब देखना होगा कि मयूरा और रिवाज की कहानी आगे कौन सा मोड़ लेती है। सो रानी की आई थिंक ये एंट्री डिफाइन करती है, मार्क करती है उसका रिटर्न, जो प्रॉमिस किया गया था कि रानी और स्ट्रॉन्ग बन के वापस आ रही है और फियर्स बन के वापस आ रही है। सो ये सीन उसकी एंट्री को मार्क करता है, वापस उसके रिटर्न को मार्क करता है। और आई थिंक ऑडियंस के लिए भी देखने के लिए बहुत एक्साइटिंग होगा कि कैसे ये नई रानी रिवाज को बचा रही है, बिकॉज रिवाज खुद छः फुट इतने लंबे चौड़े हैं, तो एक लड़की का आके उनको ऐसे बचाना आई थिंक ऑडियंस के देखने के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी ऑडियंस को देखने के लिए, जहाँ पे एक लड़की बॉडीगार्ड भी बन रही है और एक इतने लंबे लड़की किसी लड़की की बॉडीगार्ड बनती हुई मुझे फिर भी समझ आता, पर इतने लंबे चौड़े आदमी के जिसके आसपास इतने सारे मर्द घूमते हैं उसके लिए एक लड़की बॉडीगार्ड बन रही है, तो जस्ट इमेजिन वो कितनी स्ट्रांग होगी। सो गर्ल पावर। एंड उसके अलावा इसके पीछे रानी की अपनी एक चाल है, अपनी एक एक रीज़न है, मकसद है। तो जैसे कि आपने प्रोमो में देखा भी होगा रानी कहती है मकसद सिर्फ एक, रिवाज सिसोरिया का अंत। सो मकसद अभी भी याद रखें। तो इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है इसी सीन में, भोजपुरी का स्टार बन गए हैं रिवाज अब। और रही बात रिपोर्टर्स की, तो उन्होंने रानी और राघव का जो किस्सा है वो छेड़ दिया, तो जिस वजह से अब जो आदमी गलत होता है किसी चीज़ को लेके तो उसके लिए परेशानी तो होती है, तो इसीलिए थोड़ा गुस्सा आया और बस अबाउट टू बैंग द रिपोर्टर्स था, बट बच गया। चिल्लाता हूँ। देखिए आप अभी भी चिल्ला रहे हैं। हाँ चिल्ला रहा हूँ क्योंकि चिल्लाने पर मजबूर कर रहा है तू मुझे। सब टीवी के सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम को लेकर बागा और नट्टू काका के बीच बहस छिड़ गई है, जिसे सुलझाने में लगे हुए हैं जेठालाल। उन्होंने मुझे पहले डांटा है तो पहले उनसे कहिए कि वो मुझे सॉरी बोले। लेकिन दोनों का झगड़ा सुलझाए नहीं सुलझ रहा। अब ऐसे में जेठालाल क्या तरकीब अपनाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। पेन भी ढूंढ के दूं, एक पेन भी संभाल कर नहीं रख सकता तू? कितना लापरवाही तू, तेरा दिमाग बाउरी के सिवा और किसी चीज में चलता ही नहीं है, इतनी लापरवाही। देखिए नटू काका, आप मुझे बात बात में डांटिए मत,